हाय हेलो सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हैवी हेयर ऑयलिंग की वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने बेटे के हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर हेयर ऑयलिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल ऑयल हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा हमारे हेयर्स को फ़ायदा देता है। जब हम छोटे थे तो मेरी मदर भी मेरे बालों पर मस्टर्ड ऑयल ही लगाते थे। अब मैंने ऑयल चेंज किया है, पहले वो हमारे बालों में सरसों का तेल ही लगाते थे, तो मैं यहाँ अपने बेटे को सरसों का तेल ही लगा रही हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं उसके बालों पर डाबर आंवला हेयर ऑयल भी लगाती हूँ, कोकोनट हेयर ऑयल भी लगाती हूँ और जॉनसन्स बेबी का हेयर ऑयल भी लगाती हूँ। ये तीन चार ऑयल हैं जो मुझे पसंद है अपने बच्चों के बालों पे लगाना। मेरे बेटे के बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, कर्ली हैं उसके बाल। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और बाल हैवी भी बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी ऑयल लग जाता है इसके बालों पर। एवरी संडे नाइट या सैटरडे नाइट मैं इसे हेयर वॉश करवा देती हूँ, क्योंकि सैटरडे नाइट, क्योंकि संडे को हॉलीडे होती है, तो सैटरडे नाइट को ही मैं इसका हेयर वॉश करवा देती हूँ और संडे मॉर्निंग में फिर ऑयलिंग करती हूँ। हफ्ते में एक बार इसकी ऑयलिंग मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो ऑयलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर्स के लिए। फ्रेंड्स, आप भी ऑयलिंग ज़रूर करिए, ऑयलिंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हर किसी को ऑयलिंग करनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फ्रेंड्स, हमें ऑयलिंग करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार, एटलीस्ट एक बार तो आप ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। अगर आप ज़्यादा ऑयलिंग नहीं कर सकते तो आप सैटरडे नाइट को ऑयलिंग कर लीजिए, बट ये कि ऑयलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बालों का झड़ना, बालों का कमज़ोर होना और डैंड्रफ की प्रॉब्लम, इन सभी का सोल्यूशन एक ही है कि हमें अपने बालों पे ऑयलिंग करनी चाहिए। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप तीन चार घंटे के लिए ऑयल रखें, बाद में आप दही अप्लाई कीजिए और फिर अपना हेयर वॉश कर लीजिए, कंडीशनर कीजिए। इससे भी आपकी जो बालों की प्रॉब्लम है, वो झड़ने की प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगी। मैं खुद भी सैटरडे नाइट ही ऑयलिंग करती हूँ, मुझे खुद भी ज़्यादा ऑयली स्कैल्प अच्छी नहीं लगती, बट सैटरडे नाइट मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। तो मैंने अपने बेटे की ऑयलिंग कर ली है, अब मैं उसके जो भी टैंगल्स हैं उन्हें रिमूव कर रही हूँ। बहुत आसानी से बालों को ऊपर से पहले सारे टैंगल्स रिमूव किए हैं और जितने जितने टैंगल्स निकल जाते हैं वहाँ वहाँ से मैं ज़ोर से उसके बालों को पकड़ के फिर मैं नीचे के बालों में से टैंगल्स रिमूव करती हूँ। इस तरह से उसके बालों में उसे पेन भी नहीं होती है। अच्छी तरह से उसके बालों में से मैंने सारे टैंगल्स को रिमूव कर दिया है। तो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी ट्विन ब्रेड्स की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए मैं उसकी आज ट्विन ब्रेड्स कर रही हूँ। बड़ा ही तंग किया मेरे बेटे ने मुझे कि उसे ट्विन ब्रेड्स नहीं करवानी, वो कह रहा था कि मैंने पटका ही बांधना है। जितनी देर मैंने उसकी ट्विन ब्रेड्स की वो बाहर भी नहीं निकला। फिर दोबारा वीडियो बनाने के बाद उसकी ब्रेड्स खोली हैं, पटका बांधा है, फिर वो घर से बाहर निकला है। क्योंकि एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो मैंने उसे कहा कि नहीं, तेरे बाल लॉन्ग है, लेंथी है, तो प्लीज़ तू ट्विन ब्रेड्स करवा ले। तो अब मैं उसकी ट्विन ब्रेड्स बना रही हूँ। अच्छी तरह से सारे बालों में से टैंगल्स को रिमूव करके, इतनी सुंदर ट्विन ब्रेड्स लग रही थी, ओ माय गॉड, मेरा दिल कर रहा था कि बस, सभी ने उसे कहा कि बड़ा ही प्रिटी लग रहा है ट्विन ब्रेड्स में, बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि इसके बाल काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, लंबे हैं, घने हैं, तो ब्रेड्स बड़ी अच्छी हुई थी। तो ये मैंने ब्रेड बना दी है उसकी, ये देखिए ट्विन ब्रेडिंग करनी है। अगर हम बालों को ज़्यादा खुला भी छोड़ते हैं, रफ़ रखते हैं, ड्राई रखते हैं बालों को,
तो भी हमारे बाल कमज़ोर होते हैं। जब भी हमें ऑयलिंग करें या फिर ऐसे ब्रेड्स बना लेनी चाहिए, इससे हमारे बाल कवर रहते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो अब मैं उसकी दूसरी ब्रेड बना रही हूँ। अच्छी तरह से बालों में से सारे टैंगल्स को रिमूव कर लिया है। और अब मैं ये वाली ब्रेड बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर ब्रेड्स हुई हैं दोनों, कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ट्विन ब्रेडिंग मैंने कर दी है। देखिए फ्रेंड्स, ट्विन ब्रेडिंग मैंने कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, लाइक भी फ्रेंड्स करिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।